हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डेजी जैन, कुक विद डेजी जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज मैं आपके लिए करवा चौथ स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे कुलचे। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मेथी कुलचा। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। आपके व्यूज़, आपकी सपोर्ट मुझे मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए आज बनाते हैं आपके साथ मेथी वाले स्पेशल कुलचे। स्टार्ट करते हैं मेथी कुलचा। सबसे पहले मैं छलनी में 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसे हम छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप ऑफ मैदा। ये मैंने 1 कप डाला है। 1 कप और इसमें मैदा मैं डालूंगी। इसे भी हम इसी के साथ छान लेंगे इस तरह से। 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप गेहूं का आटा हमने लिया है। दोनों को हमने छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी। 8 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है कर्ड। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट। 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, ये मैंने 1 स्पून में डाला है। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे हम 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। 1, 2, and 3 स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये कुलचे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, जिस तरह से बाजार के कुलचे होते हैं। इसको गूंथते समय पानी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि जो कर्ड है वो हमने 8 स्पून डाले हैं। ये देखिए, इस तरह से पहले हम सारे मटेरियल को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। मैंने यहाँ पर 1/4 कप वाटर लिया है, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ही इसे इस तरह से डालूंगी। इस तरह से अब बाकी का बचा पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको गूंदेंगे। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। उतना ही पानी मैंने दोबारा लिया है, लेकिन हम इसे भी 2 बार में डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से इसे गूंदना शुरू करेंगे। जी, ये पानी भी इसमें आराम से डल जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो जो है रेडी हो गया है। इसको गूंदने में करीबन 3/4 कप पानी का जो है लग गया है। मैंने इसमें 1 कप आटा और 2 कप मैदा डाले हैं, ताकि थोड़ा इसको हेल्दी बनाने के लिए। आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, डो हमारा रेडी है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दूंगी, ताकि अच्छी से फॉर्मेट हो जाए ये।
ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा आधा घंटा हो चुका है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले अपने हाथों पर मैं थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगाऊंगी इस तरह से। अब हम इस डो को उठाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, कितनी अच्छी जाली इसमें बन गई है, पूरी तरह फॉर्मेट हो गया है ये। अब मैं इसे इस तरह से उठाकर हमें दोबारा से इसे नीट करना है। इसे मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और भून लूँगी, क्योंकि इसमें एयर आ गई है। तो एक बार फिर हम सॉफ्ट हाथों से इसे नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये नीट हो गया है। अब हमें इसके इस तरह से 3 पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरह इसमें खमीर आ गया है, बिल्कुल कोई हमने इसमें ईस्ट नहीं डाला। और ये देखिए, और हमने बनाए भी आटे के हैं जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। इसके हम पेड़े कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जो पेड़े करने हैं इसको इस तरह से करते हुए, ये देखिए इस तरह से हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको नीचे की तरफ करते हुए, नीचे से हम इसे बंद कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने सभी पेड़े कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टोटल 12 पेड़े बन गए हैं, यानी कि इतने मटेरियल से हमारे 12 कुलचे बनेंगे। अब मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर इस तरह से पोर करूँगी, ताकि पेड़े आपस में ना चिपके। ये मैं एक पेड़ा लूँगी, इसे इस तरह से फिर से स्मूथ करूँगी। और अब हम इसे बेलेंगे। हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। इसमें हमें मैदा नहीं लगाना, और हल्का सा जो हमने रिफाइंड ऑयल लगाया है बस उसी के साथ ही हमें हल्के हाथों से इसे बेलना है। थोड़ा सा बेलने के बाद मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डस्ट करूंगी इस तरह से, और इसे फिर से बेलना शुरू कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, ये ना तो हमें बहुत ही पतला बेलना है और ना ही बहुत मोटा होना चाहिए। बस जितना हमारा फुल्का पतला होता है उससे थोड़ा सा इसे हमें मोटा रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, चारों तरफ से एक जैसी इसकी मोटाई होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इतना मोटा रखा है। अब हम इसे इस तरह से उठाएंगे और एक ट्रे में हम इसे प्लेस करते जाएंगे। पहले हम अभी अपने सभी कुलचों को बेल लेंगे, उसके बाद ही हम उसे बनाना शुरू करेंगे। मैंने फिर से एक पेड़ा लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इस तरह से सभी कुलचों को बेल कर रख लिया है एक ट्रे में। अब हम दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे। आप कोई तवा या इस तरह से कोई भी पैन ले सकते हैं। गैस हमें रखनी है स्लो मीडियम पर। अब हम इस तरह से एक कुलचे को उठाएंगे और इसके सेंटर में रख देंगे। अब हम लेंगे वाटर, 1 चम्मच पानी हमें इसकी इस तरह से साइड्स पे डालना है इस तरह से, और इसे किसी भी ढक्कन से हमें कवर इस तरह से कर देना है, ताकि जो पानी से स्टीम इकट्ठी होगी उससे ये और ज्यादा फ्लफी बन जाएगा। ये देखिए आप साइड्स पे देख सकते हैं किस तरह से पानी की ये स्टीम जो है बन रही है। अगर आपके पास जो लिड है उसमें होल है तो उस होल को आप बंद कर दीजिए। इसीलिए मैंने बिना होल वाली लिड जो है ली है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसे करना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, कम से कम 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब हम इस लिड को उठाकर देखेंगे। आप ये देखिए कितने बबल्स आ गए हैं इसमें, ये देखिए इस तरह से। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसकी साइड जो है चेंज करेंगे। ये देखिए, मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ये फ्लफी हो गया है। फिर से हमें इसे इस तरह से साइड्स पे पानी डालना है, इस तरह से, और इसे लिड से ढक देना है ताकि इसकी जो स्टीम है उससे हमारा कुलचा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, उसकी जाली अच्छे से आ पाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 30 सेकेंड्स के ऊपर हो चुका है समय। मैं इसको भी एक बार पलट कर देखूंगी। ये देखिए, ये गोल्डन हो चुका है। अब हम इस पर प्लेट लगाएंगे बटर इस तरह से, और इसकी साइड जो है उसे पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी इस तरह हम बटर लगाएंगे इसके ऊपर, और स्पैचुला की हेल्प से हम इसे साइड इसकी चेंज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए कितने फ्लफी हैं, बहुत ही सुंदर कलर आया है। कुछ लोगों के पास ऐसा तवा नहीं है तो मैं आपको एक बार पैन में भी एक बना के दिखाऊंगी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। फिर से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा कुलचा दोनों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। आप इधर से ये देखिए, मैं दिखाती हूँ स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफी कुलचा बना है हमारा। अब मैं आपको एक और कुलचा बनाकर दिखाती हूँ जिसे हम पैन में बनाएंगे। इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर है, और ये कुलचा जो है हमारा बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा भी डाला है। अब देखिए, मैंने एक पैन लिया है और उसके बिल्कुल सेंटर में मैं ये कुलचे को प्लेस करूंगी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम वही रखेंगे। इसकी हमें बनानी है स्टीम, तो हम डालेंगे यहाँ पर पानी। ये देखिए, यहाँ पर मैं पानी डालने जा रही हूँ। 2 स्पून के करीब मैंने पानी डाला है, और लिड से इस तरह से इसे ढक देना है। अब हम इसकी लिड उठाकर देखते हैं। ये देखिए, पानी पूरी तरह से स्टीम बनकर ख़त्म हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं साइड चेंज करूंगी हमारे कुलचे की, और इस तरफ भी इस तरह से 2 चम्मच के करीब हमें पानी डालकर इसे फटाफट से ढक देना है और स्टीम होने के लिए वेट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गया है, मैं इसे एक बार चेक करती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा, ये देखिए पक चुका है। इस पर भी इस तरह से हम बटर लगाएंगे और इसकी साइड को चेंज करेंगे। दूसरी तरफ भी इस तरह से मैं बटर लगाऊंगी और स्पैचुला की हेल्प से इसकी साइड को इस तरह से चेंज करूंगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से खस्ता हो जाए। बहुत ही सॉफ्ट खस्ता बने हैं हमारे। ये देखिए कुलचे हमारे कितने फ्लफी हो गए हैं। डबल थिकनेस इसकी हो गई है, ये करीबन पक चुका है। इसे भी हम प्लेट में इस तरह से प्लेस करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं अपने सभी कुलचों को बनाकर रखने वाली हूँ। फिर से हम डालेंगे इसमें पानी, जल्दी से इसकी लिड लगाएंगे ताकि इसकी स्टीम जो है उड़नी नहीं चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक चटनी बनाना सिखाऊंगी जो कि हम बनाएंगे मूली से। ये देखिए, मैंने मूलियों को कद्दूकस इस तरह से बारीक कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे
दो लेमन का जूस। ये जो चटनी है बहुत ही खट्टी मीठी और कुलचों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इसका कॉम्बिनेशन जो है इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से दो नींबूओं का रस मैंने पूरा इसमें निचोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। फ्रेंड्स, ये मैंने इमली की चटनी घर पर ही बनाई हुई है। ये देखिए, सौंफ वगैरह डालकर बहुत ही अच्छे टेस्ट से बनी हुई है। इसके मैं 6 स्पून जो है इसमें डालूंगी। ये बिल्कुल थिक है। अगर इसकी रेसिपी आपको सीखनी है तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेशन में जाकर ज़रूर कमेंट करें। ये आप चटनी एक बार बना लेंगे तो 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होती। ये देखिए, ये मैंने चटनी इसमें डाली है। ये खट्टी मीठी बिल्कुल चटनी है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ देगी मिर्च। ये हम सिर्फ कलर देने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे कुलचे, मेथी वाले कुलचे। ये देखिए, इसी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ मसाला चना। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाला चना की। और इसी के साथ जो मैंने बनाया था मूली का चटाकेदार लच्छा, ये देखिए कितना कलर भी इसका अच्छा आया है। और कॉम्बिनेशन आप तीनों का देखिए कितना अच्छा है। मूली का चटाकेदार लच्छा, साथ में मसाला चने, और साथ में हमारे नरमा नरम कुलचे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सॉफ्ट हैं ये हमारे कुलचे। और देखिए आप, खमीर कितना अच्छा इसमें आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा खमीर आया है। ये देखिए, पूरे फ्लफी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से मूली का लच्छा लगाकर। इसको डिप कीजिए मसाला चने में और इंजॉय कीजिए मेथी वाले कुलचे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी इस रेसिपी को ताकि सभी इसका मज़ा ले सकें। घर पर ही हम जब दिल करे मेथी वाले कुलचे और चने खा सकें, बाहर बाजार से कुछ भी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।